अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोन। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास एक 30 एम्पेयर का बैटरी चार्जर है जो कि पहले किसी ने रिपेयर किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको खोलते हैं। ये देखें, खोलने के बाद ये देखें, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि अभी नहीं लगा। जब भी किसी भी चार्जर का ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है तो हम इसको तब्दील करके इसकी जगह पर दूसरा लगाते हैं। उसके बाद हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आज के वीडियो में हम इस चार्जर में एक यूनिवर्सल पावर सप्लाई लगाएंगे, जिसको टीवी सप्लाई भी कहते हैं, जो कि मार्केट में यूनिवर्सल पावर सप्लाई, टीवी सप्लाई या फिर 3 वायर सप्लाई बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले सर्किट बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये देखें, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसकी जगह पर इंसुलेटर लगा हुआ है। ये इंसुलेटर ट्रांजिस्टर को बॉडी से शॉर्ट होने से बचाता है। ये देखें, ये है यूनिवर्सल पावर सप्लाई। तो चलिए इसको खोलते हैं और इसमें लगाते हैं। आप देख रहे हैं, ये है यूनिवर्सल पावर सप्लाई जिसमें 3 वायर होती हैं। इसकी वजह से अक्सर लोग इसे 3 वायर पावर सप्लाई भी बोलते हैं। और दूसरी होती है 5 वायर सप्लाई, जिस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया। तो चलिए यूनिवर्सल पावर सप्लाई को लगाते हैं। लगाना किस तरह है? सबसे पहले आपको मीटर लेकर इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करनी है, जो कि बड़ा कैपेसिटर है, उस पर वोल्टेज चेक करनी है। देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रही है या नहीं। अगर वोल्टेज नहीं होगी तो हमारा फ्यूज़ या फिर रेक्टिफायर ब्रिज ख़राब होगी। अगर रेक्टिफायर ब्रिज ख़राब है तो उसको तब्दील कर दें, या फिर फ्यूज़ ख़राब है तो उस फ्यूज़ को तब्दील कर दें। तब्दील करने से हमारी वोल्टेज आ जाएगी। ये देखें, वोल्टेज नहीं आ रही। ये देखें, यहाँ पर ये फ्यूज़ जो है वो निकाला हुआ है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। तो मैं इस फ्यूज़ को शॉर्ट कर देता हूँ, बाद में मैं इसको तब्दील कर दूँगा।
ये देखें फ्यूज चार्ज करने के बाद वोल्टेज आ रही है। जब भी वोल्टेज आ जाए उसके बाद कोई लोड या किसी चीज से कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दे। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो हमें शॉक भी लग सकता है। डिस्चार्ज करने के बाद चलिए सप्लाई को लगाते हैं। सप्लाई लगानी किस तरह है, जो ब्लैक वायर है वो हमें कैपेसिटर की नेगेटिव पर लगानी है और जो रेड वायर है वो हमें ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन है उसमें लगा देंगे। ये वायर लगाने से ही हमारा चार्जर स्टार्ट हो जाएगा। आपको तीसरी वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, फकत ये दो वायर्स लगाने से हमारा चार्जर चल सकता है। याद रहे ब्लैक वायर ग्राउंड में लगानी है और रेड वायर ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन से। चलिए मैं आपको चार्जर टेस्ट करवाता हूँ, उसके बाद इस यूनिवर्सल पावर सप्लाई को फिट करेंगे। दोस्तों ये देखें पावर लगाने से ही हमारा चार्जर ऑन हो गया है और यूनिवर्सल पावर सप्लाई में लगे वेरिएबल से हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पर हमें 13.5 वोल्ट या 14 वोल्ट तक इसको सेट करेंगे। और दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें।